रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 12. द रेशियो ऑफ द सम ऑफ एम एंड द एनएच टर्म ऑफ अ एपी इज एम स्क्वायर एंड एन स्क्वायर. शो दैट द रेशियो ऑफ एम एथ एंड एनएच टर्म इज दिस. ये तो मुझे शो करना है, इसके बारे में तो बाद में बात करते हैं. मुझे गिवन क्या है, मुझे क्लियरली गिवन है कि मुझे एम टर्म्स का और एन टर्म्स का रेशियो दे रखा है एम स्क्वायर एंड एन स्क्वायर. मैंने एम एच टर्म लिखी, एन एच टर्म लिखी, सिंप्लीफाई किया तो मेरा कैलकुलेट करके क्या आ गया दिस. इसके बाद बस मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया. इस तक किसी को कोई दिक्कत? अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो ये वाली सारी टर्म्स में दूसरी तरफ ले जाती है. मैंने क्या किया, जो एक ही टर्म्स थी उन्हें कलेक्ट कर लिया एक साथ, जो ए की टर्म्स थी उन्हें कलेक्ट कर लिया एक साथ, और जो डी की टर्म्स थी उन्हें कलेक्ट कर लिया एक साथ. हाँ जी बच्चा, ये वाला स्टेप क्लियर है? ये मेरा ए की टर्म थी, इधर जाके माइनस हुई, ए कॉमन लिया तो 2n माइनस m आ गया. सिमिलरली ये टर्म थी, इधर जाके माइनस हुई, इन्हें एक साथ ले लिया. अब इन्हें सिंप्लीफाई किया तो ये मेरा क्या आ रहा है, टू कॉमन लेने के बाद दैट इज n माइनस m a प्लस m माइनस n d इक्वल टू जीरो. अगर मैं पूरे में से कॉमन निकाल लू n माइनस m तो अंदर क्या बच रहा है मेरे पास, अंदर बच रहा है मेरे पास 2a प्लस m माइनस n d इक्वल टू जीरो. सही जा रही हो बिल्कुल, कोई दिक्कत यहां तक? गलती तो नहीं है? हाँ जी बच्चा, अब ठीक है कि हमने क्या किया, ये जो वाली टर्म थी ये प्लस की सारी इधर कर दी. ये था मेरा 2a n माइनस 2a m, तो ये 2n माइनस m हो गया, इसमें से भी 2 कॉमन ले लिया. m n माइनस दिस किया तो ये प्लस का हो गया, कैलकुलेट किया. n माइनस m अगर कॉमन लेंगे तो ये सिर्फ 2a माइनस d इक्वल टू जीरो बच जाएगा. हाँ जी बच्चा, ये वाला स्टेप सबको क्लियर है? मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, n माइनस m भी कॉमन ले सकते हो, n माइनस m भी. ये वाला स्टेप सबको क्लियर है कैसे आए हैं? अगर किन्हीं भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो हो, इसका मतलब क्या है, ईदर या तो n माइनस m जीरो होगा या फिर 2a माइनस d जीरो होगा. अब मैं कह रही हूँ n इक्वल टू m तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये मेरा जीरो नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल. इसका मतलब ये ही मेरा जीरो होगा, रिजल्टेंट आ गया 2a इक्वल टू d. हाँ जी बच्चा, इस चैप्टर का किसी को कोई प्रॉब्लम? मैंने क्या किया, इसे रिजेक्ट कर देगी क्योंकि m और n तो बराबर नहीं है. इसका मतलब यही जीरो होगा, इस जीरो से मेरे पास रिजल्टेंट आ गया 2a इक्वल टू d. इस स्टेप का किसी को कोई दिक्कत? मैंने क्या किया, अंशी क्लियर है ये वाला स्टेप? Yes, ma'am, clear है. अब इसके बाद मुझे क्वेश्चन में बोल क्या रहे हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे बोला जा रहा है कि मुझे mh और nh टर्म का रेशियो निकालना है, जो समथिंग प्रूव करना है 2m माइनस 1 अपॉन में 2n माइनस 1. निकालना किसका रेशियो है, mh और nh टर्म का. mh टर्म होती क्या है, mh टर्म इज a प्लस m माइनस 1d. एंड व्हाट अबाउट nh टर्म, a प्लस n माइनस 1d. हां जी बेबी क्लियर है? और इस गिवन से मैंने d की वैल्यू निकाली है. d की वैल्यू क्या है, 2a. यहां पे पुट कर देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इनटू 2a, a प्लस n माइनस 1 इनटू 2a. a कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दूंगी, 1 प्लस 2m माइनस 2, 1 प्लस 2m माइनस 2. कैंसिल आउट किया, दैट इज 2m माइनस 1 अपॉन में 2n माइनस 1. यही तो प्रूव करना था कि mh टर्म और nh टर्म का रेशियो 2m माइनस 1 रेशियो 2n माइनस 1 आना चाहिए. हां जी बेबी, कुछ क्लियर हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 12? एक बार ही क्वेश्चन दोबारा रीड करते हैं और फिर से सॉल्यूशन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 12 सेड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ mh and the nth term of an AP is m square and n square. Show that the ratio of mth and the nth term is 2m minus 1 ratio 2n minus 1. कर दिया हमने प्रूव. हमें क्वेश्चन में बोला था कि इसका रेशियो गिवन है, इसके रेशियो से सिंपलीफाई करके हम इस रिजल्टेंट तक आए.
इस रिजल्टेंट को हमने यूज किया अपने mth और nth रेशियो में, वी गॉट अ आंसर। हां जी बच्चा, क्वेश्चन नंबर 12 सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 किसी का कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 12 में? क्वेश्चन नंबर 12 मैम 2a इज इक्वल टू d आ गया, उसके बाद नहीं समझ में आया। अच्छा ये आ गया मेरे पास, मुझे क्वेश्चन में निकालना किसका रेशियो है, किसका रेशियो निकालना है? mth term to nth term। ठीक है, तो mth term क्या होती है? a plus m minus 1d, यही होती है। और nth term क्या होती है? a plus n minus 1d। अंश बच्चा ये वाला स्टेप बताओ, क्लियर हुआ कैसे आया है? यस मैम हो गया। अब उसके बाद d की जगह ये वैल्यू निकाली थी 2a। ओके मैम ठीक है ठीक है, बस उसे पुट किया और कैलकुलेट किया, वी गॉट आंसर। अब बताइए बच्चा समझ आया क्वेश्चन नंबर 12?